स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ प्ले, खेलों के प्रकार। आज वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, एक बार जाके अपना लास्ट लेक्चर देख लो, ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य के क्या लक्षण हैं? क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप यहाँ से भी अच्छे से इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? मानसिक स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के संतुलित व्यवहार से ही है, यानी कि संतुलित व्यवहार वाला व्यक्ति ही मानसिक रूप से स्वस्थ कहा जाता है। स्वस्थ व्यक्ति का व्यवहार प्रत्येक परिस्थिति में स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति प्रत्येक स्थिति में समायोजन करता है। अब अलग अलग तरह के वैज्ञानिकों की अलग अलग टिप्पणियां आपको इस बारे में देखने को मिलेगी। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कुप्पू स्वामी। इनके अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मानसिक रोगी की अनुपस्थिति नहीं है, यह तो व्यक्ति के दैनिक जीवन का सक्रिय तथा निश्चित गुण है। मानसिक स्वास्थ्य कार्यों की ऐसी आदतों, व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति ऐसे दृष्टिकोण को व्यक्त करता है जिससे व्यक्ति को अधिक संतोष प्राप्त होता है। यानी कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह नहीं है जिसके व्यवहार का समूह या समाज में विरोध ना हो। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक तौर पर स्वस्थ है, इसका मतलब एक समाज में वो रहता है उसमें उसका कभी भी विरोध नहीं होगा, ऐसा कहना गलत रहेगा। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह होता है जो समझौते और सामंजस्य विकास या निरंतरता का समावेश करता रहता है। ठीक है, अब अलग अलग तरह की परिभाषाएं आपको इसमें देखने को मिलेंगी। जो भी आपको बहुत इजीली समझ आ रहे हैं, आप किसी भी एक टिप्पणी के साथ गो थ्रू कर सकते हो। अब कहते हैं कि लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि एक व्यक्ति मानसिक तौर पर स्वस्थ है? तो उसके कुछ रीजन आपको गिवन है, जैसे कि अपने व्यवसाय में अत्यधिक संतोष प्राप्त करता है। जिस भी तरह का उसका व्यापार है, व्यवसाय है, उसमें उसे सेटिस्फेक्शन रहेगी। ऐसा व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शीघ्र निर्णय ले सकता है कि जो भी डिसीजन होगा वो डिसीजन मेकिंग होगा, इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग होगा। ठीक है, अगर हम किसी का मानसिक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें, कोई मेंटल लेवल पे पीसफुल है, तो बहुत अच्छे डिसीजन ले पाएगा। वह काफी सहनशील होता है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता रखता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करता है। उसके अलावा वह अपने संवेगों पर नियंत्रण कर सकता है, उसकी आकांक्षाएं उच्च स्तर की होती हैं, वह जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखता है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी सजग रहता है। ठीक है, समझ आया आप सभी को? तो ये था हमारा क्वेश्चन कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है और उसके लक्षण क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा का क्या संबंध है? मानसिक स्वास्थ्य पर घर और विद्यालय का क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप यहां से भी इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं। तो देखो, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा का क्या संबंध होता है? शिक्षा के इतिहास में एक समय था जब बच्चों की बुद्धि, रुचि और मानसिक स्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था, और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सिर्फ 3 आवर्स का ज्ञान देना था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अभी हमारी शिक्षा पूर्णतः बच्चे के ऊपर केंद्रित रहती है। हम बच्चे के अनुसार की पाठ्यक्रम तैयार करते हैं ताकि उन्हें अपनी शिक्षा में, अपनी पढ़ाई में रुचि उत्पन्न हो सके
और उनका पूर्णतः विकास हो पाए। ठीक है, अब इसी में आगे हम पढ़ेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य पर घरेलू प्रभाव या विद्यालय का क्या प्रभाव है। तो देखो, सबसे पहले आता है उच्च आदर्श। प्रायः माता पिता बालकों की भिन्नता का विचार किए बिना ही बच्चों के लिए उच्च आदर्शों का निर्माण कर लेते हैं। बच्चे जब उन आदर्शों को पूर्ति नहीं कर पाते तब मानसिक असमायोजन की वृद्धि होती है। अब इसके लिए अलग अलग तरह के प्रभाव हैं, जैसे कि घरेलू प्रभाव। घरेलू प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? बालक के स्वास्थ्य पर या मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव घरेलू रहता है, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला पॉइंट कि माता पिता का व्यवहार बच्चे के साथ कैसा है। जिन घरों में माता पिता का व्यवहार बालक के प्रति अच्छा नहीं होता वहां भी बालक असमायोजित हो जाता है। ऐसे परिवारों में बालकों की अवहेलना की जाती है। दूसरा आता है परिवार में तनाव। भारतीय परिवार में केवल माता पिता ही नहीं होते, अन्य भी आपको सदस्य जैसे कि दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची आदि सदस्य भी देखने को मिलते हैं। और अगर ऐसे परिवारों में बर्ताव जो है आपसी सदस्यों का वो सही नहीं है तो उसका भी काफी गहरा असर पड़ता है बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर। ठीक है, तीसरा आता है घर का अनुशासन, कि आप जिस घर में रहते हैं वहां का अनुशासन कैसा है। अब हमारा जो समाज है वहां पर किसी बच्चे को तो अत्यधिक स्वतंत्रता दी जाती है और कुछ बच्चों को आवश्यकता से अधिक अनुशासन में बांध कर रखा जाता है। तो ये जो हमारा गैप रहता है दो तरह के बालकों में, उससे भी मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता हुआ देखा गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अध्यापक का व्यवहार। अध्यापक का स्थान विद्यालय में सबसे महत्वपूर्ण रहता है। उसका व्यक्तित्व बच्चों के व्यक्तित्व को निरंतर प्रभावित करता रहता है। यदि अध्यापक का व्यवहार पक्षतापूर्ण है या फिर वह सामान्य रूप से बच्चों के प्रति सहानुभूति नहीं रखता या बच्चों को अत्यधिक दंड देता है, ऐसे अध्यापक से बच्चे भयभीत रहते हैं और निरंतर भय मानसिक स्वास्थ्य को खराब करता है। जिसमें हम आगे पढ़ेंगे कि विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, अभिव्यक्ति के अवसर जब बच्चे को नहीं दिए जाते तब भी उसके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसके अलावा हमारी परीक्षा प्रणाली कैसी है उससे भी बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता देखा गया है। तो ये संबंध होता है मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा। ठीक है, समझ आया आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप यहाँ से भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। इसमें तो वही सारी चीजें बताई जाएंगी जो मैंने अभी आपको लास्ट इस क्वेश्चन में पढ़ाई है, वही सेम चीजें हैं कि कैसे विद्यालय का बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर, विकास के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिसमें अलग अलग तरह के पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। पहला पॉइंट आता है कि नर्सरी स्कूल और बाल विकास, कि जब बच्चा स्कूलिंग में जाना आरंभ करता है तो नर्सरी स्कूल में जाने वाले बालकों के आयु में थोड़ा अंतर होता है। बहुधा आयु का यह अंतर माता पिता की अभिवृत्तियों के कारण है। कुछ माता पिता यह सोचते हैं कि उनका बच्चा अभी बहुत छोटा है और स्कूल जाने के लायक नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जिनके माता पिता उन्हें समय से पहले विद्यालय में प्रवेश करवा देते हैं, जिसकी वजह से नर्सरी स्कूल में आपको काफी एज गैप बच्चों के बीच में देखा जाएगा, जिसकी वजह से उनका बाल विकास पर भी असर पड़ता है। अब एक बच्चे का आईक्यू लेवल उतना नहीं है कि वो अभी से स्टडी प्रारंभ कर पाए, लेकिन माता पिता की वजह से उसने अभी से टाइम से पहले पढ़ना शुरू कर दिया तो उसकी कैचिंग पावर पर इफेक्ट पड़ता है। जबकि एक दूसरा बच्चा जिसकी कैचिंग पावर काफी स्ट्रॉन्ग थी
उसने भी सेम टाइम पे पढ़ना शुरू किया, तो इससे बाल विकास में थोड़ा सा गैप देखा गया है। दूसरा कहता है कि प्राइमरी विद्यालय के अनुभव और बाल विकास। जब बालक की प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है तो उसे विद्यालय के वातावरण, अध्यापकों और सहपाठियों के साथ समायोजन करना सीखना पड़ता है। इस प्रकार में देखा गया है कि जिन बच्चों को अच्छा पारिवारिक वातावरण मिला है उनका विद्यालय में समायोजन उन बालकों की अपेक्षा जल्दी और अच्छा हो जाता है। प्राथमिक विद्यालय के बालकों की सर्वांगीण शिक्षा के लिए आवश्यक है कि बालक के अध्यापक बालक के अभिभावकों से निरंतर संपर्क बनाए रखें। अब इसमें हम आगे तीन प्रकार पढ़ेंगे कि कैसे कक्षा का वातावरण हो सकता है, जैसे कि प्रजनतात्मक वातावरण, निर्गुणवादी वातावरण या फिर स्वतंत्रता का वातावरण। ये तीन तरह के वातावरण हैं जो हमें प्राथमिक शिक्षा के दौरान एक कक्षा में अध्यापक द्वारा दिए जाने चाहिए। इसके बाद कहता है कि अध्यापक और विद्यार्थी का आपसी संबंध। अब जैसे ही कोई बच्चा पढ़ना प्रारंभ करता है तो उसका अपने अध्यापकों के साथ या अध्यापक का अपने विद्यार्थी के साथ संबंध कैसा है, वो पूरी चीजें डिपेंड करती है कि उसका विकास किस स्तर पर होगा। अगर कोई भी अध्यापक अपने किसी भी विद्यार्थी के साथ एक अच्छा व्यवहार नहीं करता तो बालक को मन में डर रहना शुरू हो जाता है, वो अपने आप को सबसे पीछे अनुभव करना शुरू करता है, जिससे उसके विकास में बहुत सारी अड़चनें आ जाती हैं। उसके बाद कहता है कि विद्यालय और शैक्षिक उपलब्धि। अब विद्यालय कैसा है, वहां पे शिक्षा किस स्तर की दी जाती है, बच्चों पर ध्यान है या नहीं, उस चीज का भी पूरा इम्पैक्ट पड़ता है एक बाल विकास के, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है स्कूल और व्यक्तित्व। ग्लासर ने विद्यार्थियों के प्रति परक्राम्य की आलोचना करते हुए कहा है कि विद्यालय उन विद्यार्थियों की उपलब्धि को अवरुद्ध कर देते हैं जो विद्यार्थी विद्यालय में असफल हो जाते हैं या शैक्षिक उपलब्धि में अन्य विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में पीछे रह जाते हैं। विद्यालय में केवल उन विद्यार्थियों को लाभ होता है जिनका विद्यालय में कार्य निष्पादन अच्छा होता है। तो ऐसी चीजें भी एक स्टडी के दौरान देखने को मिली थी कि जो स्टूडेंट या जो विद्यार्थी कक्षा में अपना होमवर्क अपना कार्य बहुत उचित तरीके से करता है, सिर्फ उसे ही आगे आने की आगे बैठने की ज्यादा तीव्र शीघ्रता दी जाती है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो हमारे 9th क्वेश्चन में, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से डाउट क्लासेस में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो, बालक के जीवन में खेलों का क्या महत्व है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बालक के जीवन में खेलों का क्या महत्व है, देखते हैं। बालक के जीवन में खेल अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में खेल का अपना स्वयं का बहुत योगदान होता है, जिसमें हम अलग अलग तरह की चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले आता है क्रियात्मक विकास। खेल के माध्यम से बालकों को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के अवसर प्राप्त होते हैं। क्रियात्मक विकास के लिए उपयुक्त समय पर अभ्यास आवश्यक है और खेल उप अभ्यास का अवसर प्रदान करता है, ठीक है। सेकंड कहता है कि हमारा भाषा का विकास। जब हम खेल खेलते हैं तो एक समूह के साथ जुड़ते हैं, उससे हमें दूसरे की भाषा और हमें सामने वाले को अपनी भाषा समझाने का मौका मिलता है। ऐसे बच्चों में आपसी भाषा का भी आदान प्रदान हो जाता है। उसके अलावा आता है संवेगों की रचना। अपने उम्र के अनेक बालकों के साथ खेल खेलते समय उसे विभिन्न बालकों के साथ समायोजन सीखने के अवसर प्रदान होते हैं, जिससे वो एक दूसरे की भावनाएं और भाषाएं बहुत अच्छे स्तर पर समझ पाता है। उसके अलावा सेकंड हम पॉइंट पढ़ेंगे इसमें स्वयं का विकास। जब हम एक खेल खेलते हैं
उसके अंदर पूर्ण रूप से घुल मिल जाते हैं तो हमारा भी मेंटल लेवल पे विकास अच्छे स्तर पर हो जाता है। उसके बाद कहता है रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास। जब हम किसी खेल को खेलते हैं तो हमें अलग अलग तरह की रचनात्मक प्रवृत्तियां देखने को मिलती है, जिससे भी बच्चे का विकास काफी हद तक हो पाता है। नैतिक विकास में खेलों का योगदान। अब हम जब भी कोई खेल खेलते हैं और उस खेल में समूह में स्थान और मान्यताएं हमें अलग अलग मिल जाती है, उसमें हम निष्पक्षता, सत्य, आत्म संचय, बड़ों का सम्मान करना, छोटों की भूल को भूल जाना, अपनी हार मुस्कुराकर स्वीकार करना, ऐसी नैतिक चीजें भी खेलों द्वारा सीखी जा सकती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे संज्ञात्मक विकास में सहायक। खेल हमारे काफी हद तक संज्ञात्मक विकास में भी सहायता करते हैं। बच्चा खेल खेल में ही संज्ञात्मक विकास कर पाता है। इसके अलावा शारीरिक विकास भी हमारा पॉसिबल है खेलने की वजह से। एक बच्चा जब खेल करता है तो अलग अलग तरह की क्रियाएं करेगा, जिससे उसे अत्यधिक भूख लगेगी, पाचन शक्ति उसकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये सारे लाभ होते हैं खेलों के बालक के जीवन में। समझ आया आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरित्र निर्माण में शिक्षा का क्या योगदान है। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो देखो, चरित्र निर्माण में कहा जाता है कि शिक्षा का सबसे आवश्यक अंग है हमारे चरित्र निर्माण के लिए। बच्चे का जब जन्म होता है तभी से उसका चरित्र निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। वो कैसी बातचीत करता है, उसका रवैया कैसा है, उसकी ईमानदारी, उसका सत्य, सहयोग, ये सभी लक्षण या गुण होते हैं किसी भी चरित्र के विकास के लिए। अब इसमें हम काफी सारी चीजें पढ़ेंगे। कहा जाता है कि चरित्र को ग्रहण करना इसी प्रकार से है जैसे कि हम भोजन से ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि हमारे जीवन में चरित्र का निर्माण होना एक अहम रोल प्ले करता है। अब इसके लिए हमें काफी सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के सम्मुख आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करें, जिससे वह उनके व्यवहार का अनुकरण कर सके। घर पर बालकों को नैतिक कहानियां सुनाई जानी चाहिए। बच्चों के संवेगों को ठीक प्रकार से प्रशिक्षण देना चाहिए। स्वास्थ्य स्थायी भाव का निर्माण करते रहना चाहिए। इसके लिए अनेक तरह के प्रयत्न किए जा सकते हैं, जैसे कि स्थायी भाव का विकास। अब ये कहता है कि बालक के चरित्र का निर्माण करने में उसके संवेगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसमें हमारे साइंटिस्ट के अनुसार स्थायी भाव किसी वस्तु पर केंद्रित संवेगात्मक प्रवृत्तियों की एक सुव्यवस्थित समिष्टि है। यानी कि स्थायी भाव का निर्माण करने में संवेगात्मक प्रवृत्तियों के संगठन का सहयोग रहता है, ठीक है, जिससे क्या है, अध्यापक को समाज सेवा, राष्ट्र प्रेम या दया, सहयोग, निष्ठा, ये सारे जो भी भाव होते हैं ये बच्चे को भली भांति सिखाने चाहिए। उसके बाद आता है अहम का निर्माण। बालक का चरित्र अहम के अभाव में अविकसित रह जाता है। अध्यापक को चाहिए कि वह उनमें आत्म अभिमान के स्थायी भाव को समाज संबंध आधारों पर विकसित करने का प्रयत्न करें। बालक अपने आदर्शों का निर्माण स्वयं करते हैं और उसी के अनुसार वे चलने का भी प्रयत्न करते हैं। अध्यापक बालकों को स्वतंत्रता दे और विद्यालय के दायित्व पूर्ण कार्यों को उनको सौंप दे। तो इस प्रकार से भी हम अपने चरित्र का निर्माण अध्यापकों द्वारा कर सकते हैं। समझ आए अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बाल्य अवस्था की प्रमुख रुचियों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द मेन इंटरेस्ट ऑफ चाइल्डहुड, कि जब हमारी बाल्य अवस्था है तो हमारे मानसिक लेवल में क्या क्या रुचियां उत्पन्न होती है और उस पर किस प्रकार से कार्य
किया जा सकता है। इसमें कुछ तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि शारीरिक चीजों में रुचि, नामों में रुचि, या फिर धर्म में हमें रुचि आने लगती है कि हम पूजा पाठ करते हैं, बड़े बुजुर्गों को जो धार्मिक रूल फॉलो करते हुए देखते हैं उसमें हमें रुचि आती है, लोग अलग अलग नाम जो हमें पुकारते हैं उसमें रुचि आने लगती है। ठीक है, तो इस तरह की रुचियां हैं जो हमें चाइल्डहुड में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर चाइल्ड साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान, जिसमें हमने पूर्ण रूप से पढ़ा कि कैसे एक बालक का विकास होता है, ठीक है, स्वास्थ्य पर उसकी शिक्षा का क्या असर पड़ता है, पारिवारिक माहौल का क्या असर पड़ता है, उसके चरित्र का निर्माण कैसे होता है, उसके द्वारा खेले जाने वाले खेल कितने प्रकार के हैं, उसका उसकी सेहत पर, उसके दिमाग पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप सभी को ये फर्स्ट चैप्टर भली भांति समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई पॉइंट मिसिंग है, कुछ डाउट है, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्रिप्शन बेल पर जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।